इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे पहली महिला इंडिया की तरफ से स्विमर, ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है उसे पार करने वाली महिला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं चांदनी महिंद्रास स्वागत करती हूँ आप सबका। आज है 25 सितंबर और स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं हमारे हैशटैग से और वो रहेगा हमारा हैशटैग कौन सा, आई कैन आई विल, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो है मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे साथ जो है कितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से, ठीक है। तो ओके, जल्दी से जो है लिंक को शेयर कर दो, लाइक कर दो और जो है चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, मैं देख रही हूँ यहाँ पे सुनील सर इज हियर, शुभम सर आ चुके हैं, ओके, प्रवीण सर आ चुके हैं, नवनीत सर इज हियर, आशुतोष सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वेरी गुड, अलका मैम इज हियर। एक बात बताओ, वॉइस क्लियर है, वीडियो ऑडिबल है, एवरीथिंग इज ओके, ऑल डन? ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सारिका मैम, गुड मॉर्निंग शिवम सर, प्रदीप सर जो है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ओके चलो जल्दी से सब लोग जो है जुड़ जाइए। मैं बहुत सारे कमेंट्स जो है पहले से भी देख रही थी, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि आज कोई इम्पोर्टेंट डे है क्या, लेकिन उससे पहले हमें मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करनी है और ये रहा आपके सामने आज का मोटिवेशनल कोट। ओके, प्रदीप सर जुड़ चुके हैं, नवनीत सर आ चुके हैं, चलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग इंडिया, चलो नमस्ते सबको। अंगद सर, पलक सर, पलक मैम इज हियर, रजत सर जुड़ चुके हैं, कमल सर, अनुपमा मैम, ओके थैंक यू अनुपमा मैम, जल्दी से जो है लिंक को लाइक कर दो और शेयर कर दो जल्दी से। चलो आज का जो है मोटिवेशनल कोट उसके साथ शुरुआत करते हैं और वो मोटिवेशनल कोट है हमारा कौन सा, डू इट नाउ Sometimes later becomes never। समझ तो गई होगे, कबीर दास जी का एक दोहा भी सुना होगा, आज करे सो क्या, हम तो आजकल जो है वो उल्टा ही करने लग गए हैं। उनका दोहा क्या है कबीर दास जी का, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है, लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, आज करे तो कल कर, कल करे सो परसों, ठीक है, इतनी टेंशन क्या लेनी जब जीवन पड़ा है बरसों, तो हम जो है ये करने लग गए हैं। तो कबीर दास जी के दोहे के साथ जो है शुरुआत करते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मतलब अगर आपने टारगेट बना के रखा है कि आज मुझे जो है दो स्पीड टेस्ट लगाने हैं तो मतलब आप जो है दो स्पीड टेस्ट बिल्कुल लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल जो है आपका गोल सेट होना चाहिए और आज का काम जो है वो कल पे नहीं टालोगे। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो बैंक की, SSC की, रेलवे की, ठीक है, इसके अलावा PSC के एग्जामिनेशन की, स्टेट लेवल PSC के एग्जामिनेशन की, तो बिल्कुल जो है अपना टारगेट निर्धारित करके चलो। अभी भी वैसे भी कोविड के समय जो है बहुत समय है, आराम से कहीं मॉल घूमने नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, हम आराम से जो है पढ़ाई कर रहे हैं और लोग इस समय जो है बहुत तेज पढ़ रहे हैं, ये याद रखना मेरा, ठीक है ना। चलो अभिषेक सर आ चुके हैं, बिल्कुल अभिषेक सर, सर भी आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। ओके, अलका मैम ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का दोहा बना दिया है आपने, ओके चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सब जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगभग, जल्दी से जो है लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जो है वो जुड़ जाएं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से, ठीक, और आज जो है सबसे पहली न्यूज के पहले तो आज 25 सितंबर है, 25 सितंबर है और अकॉर्डिंग टू आर लिस्ट कोई भी एज सच इतना इम्पोर्टेंट डे नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। कल हम कर चुके थे, कल क्या था, वर्ल्ड मैरीटाइम डे था, समुद्री दिवस था, ठीक है, आज जो है कोई इम्पोर्टेंट डे नहीं है, जब एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी
ऐसा लगेगा जो महत्वपूर्ण रहेगा तो बिल्कुल हम उसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज की सबसे पहली न्यूज की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आज का करंट अफेयर एनालिसिस दैट इज 25 सितंबर और दिन है कौन सा, फ्राइडे। ठीक है, वीकडे का एंड है, कल से वीकेंड चालू हो जाएगा सैटरडे और संडे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज से। चलो, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्म द नेशनल सर्विसेज स्कीम अवार्ड फॉर द ईयर 2018-19 फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन थ्रू द वर्चुअल मोड। राष्ट्रपति रामनाथ सिंह जी ने राष्ट्रपति भवन से वर्चुअल माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि सब लोग ध्यान रखना, ये नेशनल सर्विसेज स्कीम जो अवार्ड्स हैं ये एक इम्पोर्टेंट अवार्ड रहता है। अच्छा, नेशनल सर्विसेज स्कीम अवार्ड जो दिए गए हैं वो 2018-19 के दिए गए हैं अभी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये अवार्ड्स जो हैं वो दिए क्यों जाते हैं, ऐसे लोग जो लोग यूथ को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग देना यूथ्स को। ठीक है, ट्रेनिंग देंगे यूथ्स को तो क्या होगा, यूथ आगे बढ़ेगा तो वो और भी लोगों को जोड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में जो है डोनेशन कैंप्स लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, तो इन सारे रीजंस के कारण जो है ये नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस अवार्ड के बारे में, और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये रहे कि ये जो पूरी NSS स्कीम अवार्ड घोषित हुआ इसमें हमारे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भी इस सेरेमनी को अटेंड किया है। वर्चुअल मोड पर है पूरी सेरेमनी हुई है, आप नीचे देख सकते हो कि पूरी सेरेमनी जो है वो वर्चुअल मोड पर हुई है, ऑनलाइन मोड पर हुई है। अगली बात यह है कि NSS अवार्ड जो इस बार दिया गया है 2018-19 का, ध्यान रखना कितने लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो टोटल 42 अवार्डीज हैं जिन्हें इन अवार्ड से क्या किया गया है, नवाजा गया है। और इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए, तो टोटल कितने अवार्डीज रहेंगे, सब लोग ध्यान रखना 42 अवार्डीज हैं, 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज को अवार्ड मिला है यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए, इसके अलावा बहुत सारी NSS यूनिट्स हैं, ठीक है, NSS वॉलंटियर्स हैं, जैसे स्कूल में जो है वॉलंटियर्स होते थे वैसे ही NSS नेशनल सर्विस स्कीम वॉलंटियर्स हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो और सुनो, ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुआत जो थी 1969 में की गई थी। मैं मार्क करती जा रही हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो NSS स्कीम एक केंद्र सरकार की स्कीम है जो केंद्र सरकार ने चालू की थी, कब, 1969 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो स्टूडेंट्स यूथ हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनकी पर्सनालिटी और उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यूथ को ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो है वो और लोगों को लिटरेट कर सके, फैमिली वेलफेयर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, इन्वायरमेंट पर्यावरण में वो लोग क्या कर सके, मदद कर सके। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि 42 अवार्डीज को नेशनल सर्विसेज स्कीम अवार्ड से नवाजा गया है और ये योजना जो है ये केंद्र सरकार की योजना है जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1969 में हुई थी। अब देखो 42 अवार्डीज के नाम जो है याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, कोझिकोड की यूनिवर्सिटी जो है उन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और वो न्यूज है हमारी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो है 43 ब्रिजेस बिल्ट करने की बात कही है बॉर्डर एरियाज ऑफ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो 43 ब्रिजेस जो है वो देश को डेडिकेट किए गए हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है 43 जो पुल हैं उन्हें राष्ट्र को क्या कर दिया है, पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है। ठीक, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो देखो, ये जितने भी ब्रिजेस जो हैं देश को डेडिकेट किए गए हैं, ठीक है, जिनकी शुरुआत की गई है, इसमें से 10 तो कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में रहेंगे। ठीक है, 2 कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, 8 है कहां पर, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में, और 4 कहां पर है,
सिक्किम और चार कहाँ पर है, पंजाब में। तो आपको जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज याद रखनी पड़ेंगी, और कितने ब्रिजेस को जो है देश को डेडिकेट किया गया है, नेशन को डेडिकेट किया गया है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। नीचे मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए हैं कि कहाँ पर कितने ब्रिजेस डेडिकेट किए गए हैं, वो भी जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाली जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड न्यूज की तरफ। ठीक, जल्दी से जो है लिंक को शेयर कर दो और भी लोग ताकि जुड़ जाएं। थर्ड न्यूज की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है अमेरिका की सबसे फेमस जो टाइम मैगजीन है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड की 100 लिस्ट में क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम्स ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शामिल किया है। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा, ठीक है, देश के लिए गर्व का जो है महसूस करने वाला मोमेंट रहा है। अच्छा, ये टाइम्स मैगजीन में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वर्ल्ड में, इसमें से इंडिया से जो है कितने लोगों को जो है चुना गया है, वो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है ना। ओके, अभी भी लोग जो है जुड़ रहे हैं। किरण मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, शालिनी मैम अभी आई हैं, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जो है लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग जो है वो जुड़ पाए। अब आपको स्क्रीन पर 5 लोगों की जो है फोटोग्राफ्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं टाइम्स मैगजीन में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में। आयुष्मान खुराना जी को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक बात बताओ कि ये जो आपको स्क्रीन पर 3 लोग दिख रहे हैं, ये कौन है? देखती हूँ मैं कितने लोग बता पाते हैं। आपको जो ये स्क्रीन पर 3 लोग और दिख रहे हैं, ये कौन है, जल्दी से बता दो। ये स्क्रीन पर जो आपको और 3 लोग दिख रहे हैं, आयुष्मान खुराना जी को इंक्लूड किया गया है, मोदी जी को इंक्लूड किया गया है, और कौन 3 लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जल्दी से बता दो। और कौन 3 लोग दिख रहे हैं आपको? यहां पर जो है गूगल और अल्फाबेट कंपनी के सीईओ कौन, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ कौन, सुंदर पिचई जी भी इंक्लूड किए गए हैं 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रविंद्र गुप्ता जी हैं, जो एक बायोलॉजी से रिलेटेड मतलब HIV की जो है मेडिसिन बनाने में जो है हेल्प कर रहे हैं, तो बायोलॉजिस्ट है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये कौन है? यस, बिल्कुल सही एक आंसर, गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ सुंदर पिचई जी हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मदर टेरेसा जी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यस अभिषेक सर, ये कौन है, ये ओल्ड लेडी। यस रविंद्र गुप्ता जी, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बिल्किस दादी, ठीक है। बिल्किस दादी जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिली न्यूज में, ये तो बता दो जल्दी से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मदर टेरेसा जी नहीं है अरविंद सर, बिल्किस दादी है। ये बिल्किस दादी जो है वो कहाँ देखने को मिली थी, जल्दी से बता दो। बिल्किस दादी जो है वो कहाँ देखने को मिली थी? शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था, एक ऐसी महिला जो शुरू से लेकर अंत तक, जब CAA आया था तो शुरू से लेकर अंत तक शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जो है वो पूरी तरीके से मौजूद रही थी, ठीक है। तो इन्हें भी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इंडिया की तरफ से जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि इंडिया की तरफ से 5 लोग जो है शामिल हुए हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। यस, शाहीन बाग की शेरनी, बिल्कुल सही मृत्युंजय सर, बहुत बढ़िया। चलो, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक, कि इंडिया की तरफ से जो है प्राइम मिनिस्टर जी का नाम इंक्लूडेड है, मोदी जी का नाम इंक्लूडेड है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है सबसे पहले इंडियन लीडर बन गए हैं जिन्हें इस टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके अलावा और कौन कौन से फेमस वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनका नाम शामिल है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इंक्लूडेड है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भी जो है उन्हें इंक्लूड किया गया है।
ठीक है ना। इसके अलावा यूएसए के जो 2020 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जोई बिडेन है उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। जर्मन चांसलर न्यूज में बनी रहती है एंजेला मार्कल, उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो इंक्लूडेड है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ जो अब इस वक्त न्यूज में बने हुए हैं टेड्रोस एडहनम को भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इंडिया की तरफ से कितने लोग हैं, 5 लोग जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है ना। 5 लोग कौन कौन हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, आयुष्मान खुराना हैं, सुंदर पिचई जी हैं, अल्फाबेट और गूगल के सीईओ बिल्किस दादी हैं और रविंद्र गुप्ता हैं जो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश जो है तेजी से डिफेंस में आगे बढ़ रहा है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्वदेशी बहुत सारी चीजें जो है अब देश में आ रही हैं। इंडिया कंडक्टेड अ सक्सेसफुल नाइट टेस्ट फायर ऑफ इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर केपेबल सर्फेस टू सर्फेस पृथ्वी 2 मिसाइल एज अ पार्ट ऑफ यूजर ट्रायल बाय द आर्मी फ्रॉम द बेस इन ओडिशा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने रेड से मार्क कर दिए हैं, तो पीडीएफ पढ़ते समय जो है सब लोग ध्यान रखेंगे। भारत ने सेना के अभ्यास प्रशिक्षण के तहत देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा के एक केंद्र से सफल रात्रिकालीन प्रायोगिक प्रशिक्षण जो है वो किया है, ठीक। पृथ्वी 1 मिसाइल भी जो है वो लॉन्च हो चुकी है, पृथ्वी 2 मिसाइल भी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके बारे में वो देखते हैं। अगर हम पृथ्वी मिसाइल सीरीज की बात करें तो पृथ्वी मिसाइल सीरीज जो है वो 9 मीटर लॉन्ग जो है मिसाइल है। ये सबसे पहली ऐसी मिसाइल है जिसे पूरी तरीके से डेवलप्ड किया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। पृथ्वी 2 मिसाइल जिसका जो है टेस्ट फायर किया गया है अभी, वो कैरी कर सकता है 500 से लेकर 1000 किलो तक का क्या लोड कैरी कर सकता है। अब DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी से डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एक भूमिका निभा रहा है देश में डिफेंस को आगे बढ़ाने के लिए। DRDO बना था 1958 में, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में ही है, ठीक। DRDO किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है। और DRDO के चेयरमैन कौन है, सतीश रेड्डी जी हैं DRDO के चेयरमैन, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा किसके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप हैं, बैंक के हैं, SSC के हैं, रेलवे का भी आ गया है कि 15 दिसंबर से NTPC के एग्जामिनेशन भी क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी से जो है लाइक कर दो, लिंक को शेयर कर दो गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। ओके, फैजल सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अभिषेक सर इज हियर, सपना मैम इज हियर, वेरी गुड सपना मैम, नवनीत सर इज हियर, बहुत बढ़िया नवनीत सर, बिल्कुल याद है हेडक्वार्टर और चेयरमैन का नाम, बहुत बढ़िया। चलिए विवेक कुमार जी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विराज सर, ओके। चल आगे बढ़ते हैं, और एक जो है दुखद न्यूज ये रही, कोविड की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है, इसलिए सब लोग जो है बिल्कुल घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड कर्नाटका BJP MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश अंगाड़ी जी जो है उनका निधन हो गया है। रेल राज्य मंत्री एवं कर्नाटक से भाजपा सांसद सुरेश अंगाड़ी जी का निधन हो गया है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर, ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य मंत्री है रेलवे के, केंद्र में कौन है रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्रालय किसके पास है केंद्र में, रेलवे मिनिस्टर बता दो केंद्र में कौन है। यस, ऑबिचुरी की न्यूज है स्मृति मैम, बिल्कुल कोविड की वजह से ही जो है वो इनकी जान गई है, तो इसलिए सब लोग जो है ध्यान रखिए, बिल्कुल सुरक्षित रहिए। चलो जल्दी से सेंटर के मिनिस्टर बता दो, रेलवे के रेलवे मिनिस्टर बता दो केंद्र में कौन है जल्दी से। मैं देख पा रही हूँ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जो है सब लोग जो है लिंक को शेयर कर दो। ओके, फैजल सर ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ठीक है।
पीकू मैम, साधना मैम, बिल्कुल अंगद सर, सोनम मैम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पीयूष गोयल जी हैं कौन से मिनिस्टर? रेलवे मिनिस्टर केंद्र में, ठीक है। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, राज्य मंत्री थे रेलवे के, और कर्नाटका से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। देखो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑबिचुअरी की न्यूज है, आपको पता है एग्जामिनेशन में एक ऑबिचुअरी की न्यूज पूछी ही जाती है, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ से? कर्नाटका से। चलिए आगे बात करते हैं अगली न्यूज की तरफ, तो वो है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत वर्चुअली डेडिकेटेड राजस्थान फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन टू द पब्लिक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन को जनता को समर्पित किया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन रहेगी कहाँ पर? राजस्थान में। अगली बात यह है कि ये जो मेट्रो लाइन रहेगी, ये ट्रेन रन करेगी कहाँ से? जयपुर सिटी से, ठीक। अच्छा चैट बॉक्स में लिखकर बता दो कितने लोग जो है राजस्थान से हो यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पे राजस्थान से हो? बिल्कुल सही शालिनी मैम, कितने लोग यहाँ पे राजस्थान से हो जल्दी से बता दो, फिर अपनी अगली न्यूज की तरफ हम बिल्कुल बढ़ते हैं। राजस्थान से कितने लोग मौजूद हो यहाँ पे? बहुत बड़ी खुशखबरी है ये राजस्थान के लिए। सपना मैम ने बहुत बढ़िया बता दिया, कलराज मिश्र जी, रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में, ओके। राजस्थान से बिलोंग कितने लोग करते हो बता दो जल्दी से, ओके। लखनऊ से हैं, विराज सर हैं राजस्थान से, बहुत अच्छी सिटी है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बढ़िया विराज सर, चलिए ओके। गणेश सर बिहार से हैं। अब अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, किससे रिलेटेड? हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। सुदेवा एफ सी हैज नेम्ड चेंचो दौड़जी एज इट्स हेड कोच अहेड ऑफ द क्लब्स मेडन आई लीग कैंपेन। सुदेवा फुटबॉल क्लब ने आगामी आई लीग सत्र के लिए भूटान के चेंचो दौड़जी को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। सबसे पहले तो ये आई लीग क्या होती है वो समझ लो, कि ये जो आई लीग होती है ये क्या है? नेशनल फुटबॉल लीग है, ठीक है ना। हमारे देश की ये नेशनल फुटबॉल लीग कहलाती है, आई लीग जो है वो है। और ये जो सुदेवा एफसी है, सुदेवा फुटबॉल क्लब है, ये इंडिया का एक फुटबॉल क्लब है जो दिल्ली में लोकेटेड है, जो ट्रेनिंग देता है किनको? फुटबॉलर्स को, ठीक है। तो सुदेवा एफसी जो है एक फुटबॉल क्लब है जिन्होंने चेंचो दौड़जी जो भूटान से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना क्या बना दिया है? हेड कोच बना दिया है। और ये सुदेवा फुटबॉल क्लब कहाँ का है? दिल्ली का है। अगर हम बात करें कि चेंचो दौड़जी की, तो दौड़जी जो है सबसे पहले भूटानी कोच बन गए हैं हिस्ट्री में नेशनल फुटबॉल लीग के। तो ये आई लीग नेशनल फुटबॉल लीग है, तो सबसे पहले भूटान के व्यक्ति जिन्हें जो है कोच बनाया गया है वो कौन रहेंगे? चेंचो दौड़जी। चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ अगर हम बढ़े तो वो आती है हमारी अगली न्यूज जापान से, और हमारी इंडिया की कंपनीज के बीच में जो कोलैबोरेशन चल रहा है, ठीक। अब जापानीज कंपनी मित्सुई और निप्पॉन सोडा ने have acquired 56% stake in agrochemical firm Bharat Insecticides Limited. जापानी कंपनी मित्सुई और निप्पॉन सोडा ने कृषि रसायन कंपनी भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड में 56% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कौन कौन सी कंपनीज जो है उन्होंने स्टेक खरीदे हैं, हिस्सेदारी खरीदी है हमारी भारत की, भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड में। तो जापान की दो कंपनी रहेंगी कौन कौन सी? मित्सुई और निप्पॉन सोडा, ठीक है ना। तो मित्सुई और निप्पॉन सोडा जो है दो जापानीज कंपनी है जिन्होंने 56% जो है हिस्सेदारी खरीद ली है, किसमें? भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड में। अच्छा भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड जो है वो भारत ग्रुप का एक जो है सब्सिडियरी है, सहायक कंपनी है। हमारे देश में एक भारत ग्रुप चलता है, ठीक है, वो बहुत सारे एग्रो रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड जो है उसे क्या करता है? बनाता है। अब अगर हम बात करें इस भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की, तो ध्यान रखना कि ये भारत ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ,
जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है, हिस्टोरियन और ऑथर राणा साफवी has been confirmed an award instituted in memory of Yamin Hazarika, the first woman from the Northeast to join the Central Police Service. इतिहासकार राणा सफवी को यमीन हजारिका की स्मृति में स्थापित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यमीन हजारिका पूर्वोत्तर से केंद्रीय पुलिस सर्विस में आने वाली पहली महिला थी. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे कि किसे ये अवार्ड दिया गया है, तो किसे दिया गया है, राणा साफवी को अवार्ड दिया गया है जो हिस्टोरियन और ऑथर दोनों हैं. कौन सा अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इन्हें दिया गया है यमीन हजारिका अवार्ड. यमीन हजारिका अवार्ड जो है किसके उपलक्ष में बनाया गया है, तो यमीन हजारिका जो रही वो सबसे पहली महिला रही जो सेंट्रल पुलिस सर्विस में रही, कहां से, पूर्वोत्तर राज्य से, ठीक है. तो किसके उपलक्ष में अवार्ड दिया गया है, किसके नाम पर अवार्ड को बनाया गया है, वो महिला कौन थी और किसे अवार्ड दिया गया है, तो ध्यान रखना क्या है कि राणा सफवी हिस्टोरियन और ऑथर दोनों हैं. चलो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ. प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेन्को ऑफ बेलारूस वाज स्वॉन टू हिज सिक्स्थ टर्म इन ऑफिस इन एन इनॉग्रल सेरेमनी. बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेन्को ने एक समारोह में छठी बार पदभार संभाल लिया है. तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कौन सी, बेलारूस के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा क्या नाम है, अलेक्जेंडर लुकाशेन्को, ठीक है. लुकाशेन्को से भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि अलेक्जेंडर से वो बहुत सारे जो है नाम बना देंगे, इसलिए लुकाशेन्को से याद रखना, ठीक है. तो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कहाँ पर, बेलारूस में. जल्दी से जो है लिंक को सब लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम, किसके बारे में, बेलारूस के बारे में. बेलारूस कंट्री है, ठीक है. बेलारूस जो है उसे बेलोरशिया या बेलोरशिया के नाम से भी जाना जाता है. ये ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है. अगर हम बात करें रशियन लैंग्वेज है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा बेलारूस के लिए, हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रेसिडेंट का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम, कैपिटल, ठीक है, इसके अलावा क्या, करेंसी, और इसके अलावा क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहेगी. ओके, सारे का मैम ना, ओके, वेरी गुड राजेश सर, सारे का मैम ना, ओके, ऑल ओके, थैंक यू सपना मैम, ओके. शिवानी मैम बीच में हो गया होगा थोड़ा सा, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. देखो मैंने बेलारूस जो है उसका जो है ऑफिशियल, वो जो उसका लोगो है वो भी लगा रखा है. बड़ा ही सुंदर ऑफिशियल लोगो है बेलारूस का, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है बेलारूस का जो लोगो है, ठीक है. जैसे हमारे देश का जो है वो झंडा है, वैसे ही बेलारूस का एक लोगो है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलरफुल है बहुत, ठीक है. लैंडलॉक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, देख रहे हो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, 94.9 लाख पॉपुलेशन है 2018 के डेटा की बात करें, ठीक है ना. ओके पिकू मैम, थैंक यू सो मच, ओके पारस सर. चलो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. स्टेट रन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, मतलब EESL, अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ रजत सूद एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर. बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने रजत सूद को कंपनी का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की है, ठीक. तो ध्यान क्या रखना है, EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अपने नए MD की घोषणा कर दी है, जिनका नाम क्या है, रजत सूद जी है. इम्पॉर्टेंट और भी कुछ कुछ है यहाँ पे, वो ये है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है एक एनर्जी सर्विस कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है, भारत सरकार के अंदर काम करती है, ठीक है. इसमें 100% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है और ये जॉइंट वेंचर है बहुत सारी कंपनीज का, जैसे कि NTPC, PFC, REC, पावर ग्रिड जो है. EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है. किसके अंडर काम करती है, पावर मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है. जल्दी से कमेंट बॉक्स में पावर मिनिस्टर का नाम लिखकर बता दो.
कमेंट बॉक्स में मुझे पावर मिनिस्टर का नाम लिखकर बता दो। मिनिस्टर ऑफ पावर बता दो जल्दी से। यस, EESL का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है, पावर मिनिस्टर का नाम बता दो कौन है। न्यू MD, यस रजत सूद जी हैं, गुड। रागनी मैम, केंद्र मंत्री बता दो कौन है पावर के। RK सिन्हा जी कह रहे हैं, केशव सर, सोनी सर कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी, ठीक है। RK सिंह है, ठीक। RK सिन्हा है, पावर मिनिस्टर RK सिंह है, बहुत बढ़िया। RK सिंह जी हैं पावर मिनिस्टर, ठीक है ना। अब अच्छा, ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है, इसने गवर्नमेंट की उस समय भी मदद की थी, सरकार जो उजाला योजना लेकर आई थी। उजाला योजना का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED, ठीक है ना। ये जो उजाला योजना थी, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED जो योजना थी, इस योजना में भी ये EESL जो थी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने ही जो है LEDs क्या किए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है ना। तो उजाला योजना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। अब अगली जो है, हम बात करेंगे हमारे स्टैटिक GK वाले पार्ट की। अब कल जो थी मैंने क्लास में 19th अगस्त तक की इम्पॉर्टेंट डेज, इसके अलावा उनकी थीम्स के साथ मेंशन कर दिए थे, राइट। आज मुझे करनी थी कहाँ से, 20 से लेकर 30th अगस्त तक की जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है उसे कवर अप करना था। आप लोग जो है PDF से एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो और अपने नोट्स बनाते जाओ। जितने भी लोगों के आने वाले एग्जामिनेशन है, ठीक है, अगस्त से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अब जितने भी एग्जामिनेशन है वो सब लाइंड अप रहेंगे, तो आपको जुलाई से पढ़ना एकदम स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक। तो हमें जो है इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें, PDF में आपको एकदम क्लियर दिखेगा। 20th अगस्त से लेकर कब तक की गई है, 30th अगस्त तक की कवर की गई है, ठीक है ना। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वो सुन लो। एक तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका क्या, वर्ल्ड वीक डे, वर्ल्ड वाटर वीक जो है उसे सेलिब्रेट किया, एक वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो 29 अगस्त को, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। तो आपको जो है PDF में एकदम क्लियर दिखेगा, और इसलिए जो है 20 से लेकर 30 अगस्त तक की डेट्स यहाँ पर कवर की हैं, और कल जो है 19 अगस्त तक की डेट्स क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। ओके, मनीष सर लेट हो गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रतोष सर लेट हो गए हैं, गुड मॉर्निंग। ओके दैट्स गुड। भीम सर बोल रहे हैं क्लास में ही नोट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। PDF में एकदम सही दिखेगा, कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज थोड़ा सा जो है हमें बात करनी है किसके बारे में, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बता दूं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। बस इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम बात करें, तो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जो है PDF में क्लियर दिख जाएगा वो है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक ये इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं बोलती जा रही हूँ, नोट डाउन भी करते जाना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इम्पोर्टेंट रहेगा, ICJ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट रहेगा एक, ठीक है। यहाँ पे मैंने कवर किया है किसको, नाटो को, नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन को, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में। सर ने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करा दी हैं, ठीक है, जो रिमेनिंग है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि रिदम जो है वो टूटे ना हमारा, ठीक है ना। यस वेरी गुड सोनी, वेरी गुड सोनी सर, क्या कहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड्स में। इसके अलावा IREA रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इंपॉर्टेंट है, SAARC इंपॉर्टेंट है, SAARC को कवर किया है, और ASEAN को कवर किया है। और एक बात ध्यान रखना, आज इन 6 की 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, ASEAN रहेगा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना राजेश सर, ठीक है ना। सर बहुत जल्दी जो है आपके साथ जुड़ जाएंगे, ASEAN इंपॉर्टेंट रहेगा इन 6 की 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जकार्ता इंडोनेशिया में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो ASEAN में टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, ASEAN में टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है।
WHO जो है अलका मैम, आई थॉट सर ने करा दिया था कवर अप, ठीक है। खुशबू मैम जो है सर की कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, बिल्कुल सर आपके साथ जुड़ जाएंगे। यस, बहुत बढ़िया सोनी सर। आसियान की मेंबर कंट्रीज बता दो, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर कंट्रीज कितनी हैं। प्रतोष और पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास के बाद। ओके, आसियान में 10+2 कंट्रीज, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। वेरी गुड अभिषेक सर, ध्यान कैसे रखोगे, याद कैसे रखना है। लेटर है आसियान में कितने, 5, और परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं कितनी, 10। इंडिया आसियान में शामिल नहीं है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में इंडिया शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना, लेटर है 5 और परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं कितनी, 10 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं आसियान में। और इन 10 कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं हमारे साथ जो आप लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने कॉपी खोली नहीं होगी, और जिन लोगों ने कॉपी खोली हुई है जल्दी से कॉपी को जो है क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है ना। ओके सोनी मैम, जल्दी से कॉपी को क्या कर दो, बंद, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, अब करंट अफेयर्स के क्विज करने वाले हैं, ठीक है ना। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, पीडीएफ जो है आपको महिंद्रा के ऑफिशियल महिंद्रा गुरु पर भी जो है अवेलेबल रहती है। यस देवेंद्र सर, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 10। ओके प्रदीप सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। सोनी मैम काठमांडू में है सार का क्या हेडक्वार्टर, बहुत बढ़िया, बहुत नॉलेज है और नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल। एमपी और यूपी का जो है इम्पोर्टेंट, कल भी बिहार का कह रहे थे, तो हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल एमपी और यूपी की जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज हैं उसे कवर अप करेंगे बिल्कुल। चलो, आसियान सारे का मैम मेंशनड है, देखो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। चलो रेडी हो जाओ बिल्कुल सब, आज जो है टाइमर के साथ रहेगा क्या एमसीक्यू, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आज किसके साथ, टाइमर के साथ। मैं वॉच करती रहूंगी कि कितने लोग जो है जल्दी आंसर करते हैं, और टाइमर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का रहेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का ही टाइमर रहेगा। चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, टाइमर मैंने चालू कर दिया है। हाल ही में भारत के कॉफी बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, हाल ही में जो है किसे कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है सेक्रेटरी सचिव नियुक्त किया गया है, जल्दी से बता दो आंसर। थर्ड कह रहे हैं, ओके आंसर आने लग गया है, ठीक है, थर्ड कह रहे हैं, और देखते हूं मैं किस किस का आंसर आ रहा है। चलो टाइम्स अप हो गया है, वेरी गुड, आंसर कौन सा है, थर्ड है, केजी जगदीश जी, बिल्कुल सही, केजी जगदीश जी को जो है सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का, बहुत बढ़िया, सबने जो है थर्ड 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 आंसर दे दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली जस्टिस कोटेश्वर सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाईकोर्ट, हाल ही में जस्टिस कोटेश्वर सिंह को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बता दो आंसर, आपका टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। निशा मैम ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया निशा मैम, निशा मैम ने सबसे पहले आंसर दे दिया। प्रवीण सर सी कह रहे हैं, ओके। खुशबू मैम जो है वो कह रही हैं बता दीजिए, बिल्कुल खुशबू मैम बता देते हैं, स्किप कर रहे हैं विवेक सर, आंसर है 5th गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है, आंसर है क्या, 5th गुवाहाटी हाई कोर्ट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, टाइमर स्टार्ट होता है अब। देखो टाइमर में ही जो है क्वेश्चन को क्या करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो टाइम जो है वो अप हो चुका है, बिल्कुल वेरी गुड, 5th आंसर आ रहा है, बहुत लोगों का 5th आंसर आ रहा है, ओके
फिफ्थ आंसर आ रहा है, फिफ्थ आंसर आ रहा है संजय यादव जी। चलो आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर है? फिफ्थ है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी जी का निधन हुआ है, अभी हमने न्यूज की थी। वह लोकसभा से 4 बार सांसद किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे सुरेश अंगाड़ी जी हैज पास्ड अवे। ही वाज द 4-time लोकसभा एमपी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल जल्दी आंसर दो, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ओके वन आंसर दे रहे हैं, वन आंसर आ रहा है। ठीक है, कर्नाटका से 3 है, ये तो हमने बात कर ली थी कि वो कर्नाटका से बिलोंग करते थे। ठीक है, फर्स्ट आंसर है, फोर्थ आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है आंसर देख लेते हैं। चलो बिल्कुल फर्स्ट आंसर है क्या? बेलगावी, कर्नाटका। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which state Tourism Development Board and Indo-Tibetan Border Police Force signed a memorandum of understanding to promote adventure sports activities recently? किस राज्य पर्यटन विकास बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने हाल ही में सहायक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक, और टाइमर स्टार्ट होता है अब। देखो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रही हूँ इसलिए। ओके फर्स्ट आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, फर्स्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। टाइम जो है वो अप हो चुका है, बहुत बढ़िया। कौन सा आंसर है? बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, क्या आंसर है? फर्स्ट आंसर है। ठीक है, टूरिज्म के मामले में वैसे भी उत्तराखंड जो है वो क्या है? बहुत आगे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया है? द सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड हैज सेलिब्रेटेड इट्स 46th फाउंडेशन डे। कब मनाया गया है? अभी कभी ही मनाया गया है, लेकिन डेट्स तो सारी ही अभी अभी की ही हैं। ठीक है, टाइमर स्टार्ट अगर हम बात करें तो टाइमर स्टार्ट होता है सबका अब। जल्दी से बता दो आंसर कौन सा रहेगा। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आ गया था, वेरी गुड। आंसर कौन सा है? सेकंड। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड ए के दीक्षित एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ए के दीक्षित जी को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? पीएमसी क्राइसिस हुए थे, न्यूज में बना रहा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। टाइमर स्टार्ट होता है अब। यस बिल्कुल सही, लास्ट का था 23 सितंबर। इसका आंसर बता दो जल्दी से, टाइमर जो है वो अप हो चुका है। ओके न्यू दिल्ली कह रहे हैं, शुभम सर चेन्नई कह रहे हैं, ओके विवेक सर न्यू दिल्ली कह रहे हैं, ठीक है सृष्टि मैम न्यू दिल्ली कह रही हैं, सोनी मैम फर्स्ट कह रही हैं, ओके स्मृति मैम जो है न्यू दिल्ली कह रही हैं, ओके सोनी मैम आप मुंबई कहने लग गई हैं, सोनी मैम कंफ्यूज हो गई हैं, फोर्थ कह रहे हैं पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, लेट हो गए हैं, ठीक है बाद में आप देख लीजिएगा पहले की न्यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who is the author of the book Voices of Dissent, which will be jointly published by Penguin Random House India and Siegel Books? पुस्तक Voice of Dissent के लेखक कौन है जिन्होंने Penguin Random House India और Siegel Books द्वारा संयुक्त रूप से जिस बुक को प्रकाशित किया गया है? कुछ नहीं है, बस Voice of Dissent बुक जो है उनके ऑथर का क्या बताना है, आपको नाम बताना है, और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बता दो, ए कह रहे हैं, ओके यस साधना मैम का जो है एकदम सही हो गया है, टाइमर जो है वो अप हो चुका है। रोमिला थापर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, निशा मैम कह रही हैं, शुभम सर, अरुंधति रॉय कह रहे हैं, देखो टाइम के अंदर ही जो है वो सॉल्व करना है, वेरी गुड, थर्ड आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। आंसर क्या है? एकदम सही है, आंसर क्या है? थर्ड है, रोमिला थापर जी। चलो
नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली इश्मेल तोरामा वॉज इलेक्टेड बोगनविला प्रेसिडेंट, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बोगनविला। हाल ही में इश्मेल तोरामा को बोगनविले का राष्ट्रपति चुना गया है, बोगनविले की राजधानी कहाँ है। नाम बड़ा अच्छा है, बोगनविले जो फ्लावर होता है उसी से जो है इसका नाम निकल कर आया है। अब टाइमर चालू होता है, अब टाइमर चालू हो चुका है, जल्दी से टाइम के अंदर ही जो है वो 10 सेकेंड के अंदर ही जो है आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, नहीं तो क्वेश्चन स्किप, ठीक है ना। उतने ड्यूरेशन में अगर हमने नहीं किया तो क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, बिल्कुल स्किप कर देंगे। जल्दी से बता दो, यस शुभम सर, बिल्कुल वेरी गुड आंसर आ रहा है, फिफ्थ बुचारेस्ट। सोच लो, निखिल सर कुछ और ही कह रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके स्किप कर रहे हैं, फिफ्थ आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग, फोर्थ आंसर दे रहे हैं, ठीक है फिफ्थ आंसर दे रहे हैं, फोर्थ आंसर दे रहे हैं, आंसर है फोर्थ कौन सा, पुका, ठीक है। कीना इसकी जो है वो क्या है, करेंसी है, और कैपिटल क्या है, बुका है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HDFC लाइफ एंड यस बैंक एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट एज पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट, हु इज द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। HDFC लाइफ और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था में प्रवेश किया है, यस बैंक के MD और CEO का क्या बताना है, नाम बताना है, और आपका समय चालू होता है अब। देखो टाइम के अंदर ही बताना है, नहीं तो स्किप, 10 सेकेंड के अंदर आंसर दिया नहीं तो स्किप कर देना, बहुत धीरे चल रहा है टाइमर। जल्दी से बता दो, ओके शिवम सर का सही हो गया था, ठीक है। प्रशांत कुमार कह रहे हैं, निशा मैम ठीक है, प्रदीप सर थर्ड कह रहे हैं, अमिताभ कांत जी ठीक है, स्मृति मैम फोर्थ कह रही हैं, सूरज सर क्यों सॉरी कह रहे हैं, चलो प्रशांत कुमार कह रहे हैं, रजनीश कुमार भी कह रहे हैं कुछ लोग। ये अमिताभ कांत जो कह रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, अमिताभ कांत जी कौन है, थर्ड जो आंसर दे रहे हैं अमिताभ कांत जी कौन है। स्मृति मैम आंसर दे रही है, बहुत बढ़िया। पूजा मैम फोर्थ कह रही है, ठीक है अमिताभ कांत जी कौन है जल्दी से बता दो। आंसर बिल्कुल जो है फोर्थ ही है, प्रशांत कुमार जी है MD और CEO ऑफ यस बैंक, अमिताभ कांत जी कौन है जल्दी से बता दो। कुछ लोग थर्ड आंसर भी दे रहे थे तो मुझे सुनना है कि अमिताभ कांत जी कौन है। यस बिल्कुल डी आंसर है, अमिताभ कांत जी किसके MD और CEO हैं, किसी के CEO हैं, ठीक। अमिताभ कांत जी किसके CEO हैं, वेरी गुड, किसके CEO हैं साधना मैम, बहुत बढ़िया, नीति आयोग के CEO हैं, ठीक है ना। तो नाम जो है कंफ्यूज मत होना, ठीक है बिल्कुल सही है, नीति आयोग के अमिताभ कांत जी क्या हैं, CEO हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें, आज का सेशन जो हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं वो यहीं पे एंड किया है, ठीक है। हम ये बस चेक कर रहे थे कि क्या हम कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं, तो मैं सबसे जो है राय लेना चाहूंगी, अगर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सर आ जाएंगे, ठीक है सर भी कंटिन्यू करेंगे, तो कितने ऐसे लोग हो जो ये कह रहे हो कि 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब आज के तो होने चाहिए और पुराने या स्टैटिक मिलाकर जो है 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, कितने लोग कह रहे हो बता दो जल्दी से, हैंड रेस कर दो बस, कितने लोग ऐसा कह रहे हो कि 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, 10 क्वेश्चन न्यूज से रिलेटेड और जो 10 हैं वो स्टैटिक या फिर स्टेट न्यूज से रिलेटेड, ठीक है यूपी से रिलेटेड या फिर जिनकी भी वैकेंसीज आ रही उनसे रिलेटेड, मतलब स्टैटिक पार्ट होना चाहिए, ठीक है ओके। फैजल सर का 8 out of 10 था, ठीक है 20 क्वेश्चंस जो है वो होने चाहिए, ठीक। तो हम अपनी न्यूज को जो है उसे शॉर्ट शॉर्ट में कवर करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, और हम 20 क्वेश्चंस करेंगे कैसे, 10 जो है वो न्यूज वाले पार्ट से ले लेंगे, मतलब 2-3 दिन के न्यूज के पार्ट से जो इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो बाकी बचे हुए 10 रहेंगे उसे स्टैटिक पोर्शन में से करेंगे। क्यों, क्योंकि मेन जो डिफिकल्टी का पार्ट है मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, जिसे हम बार बार क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और अगर उसके क्विज या रिविजन नहीं करते तो स्टैटिक पोर्शन जो है वो कवर अप होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। आप लोग भी स्पीड टेस्ट देते होगे, STs देते होगे, तो देखते होगे कि स्टैटिक पोर्शन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है। तो हम जो है
यस हम जो है क्या किया करेंगे, 10 क्वेश्चन न्यूज से ले लिया करेंगे, 2-3 दिन की न्यूज या आज की न्यूज से ही ले लिया करेंगे पर्टिकुलर डे के, और 10 क्वेश्चन किया करेंगे कहाँ से, स्टैटिक से। ठीक है, अंसारी सर कह रहे हैं कि उनका 7 out of 10 था। सब लोग अपना स्कोर भी बिल्कुल चेक करते जाया करो और लिखते जाया करो कि कितना स्कोर जो है आपको आया, मतलब 10 में से जो है कितना आपको जो है स्कोर मिला, 6 सही हुए, 7 सही हुए। लेकिन हमेशा बात क्या याद रखनी है कि टाइम में जितना हुआ हुआ, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ये लगा देते हैं ये लगा देते हैं, हमें तुक्का नहीं मानना एग्जामिनेशन में। चलो आज के सेशन को जो है यहीं पे एंड करते हैं, बहुत सारे लोगों की अब क्लासेस भी लाइंड अप होंगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अपना ध्यान रखिएगा सब लोग, सुरक्षित रहिएगा, घर में रहिएगा और खूब अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आप सबका दिन शुभ हो, हैव अ वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।